नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये बिंदु याद रखने हैं। पहला डालना है दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, उपविषय, अवधि और प्रकरण। हम आपको साइंस का ये प्रकरण लेके जाएं, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद शिक्षण केंद्र का नाम आपको भरना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में भाई छात्रों जो विषय है उसी संबंधित आपके दृष्टिकोण विकसित करने रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या तर्क शक्ति चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में प्रयोगात्मक और रचनात्मक कुशलता का विकास करना, हाँ इस तरीके से आपके 5 पॉइंट रहेंगे। उसके बाद फिर आती है हेडिंग आपकी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भाई हेडिंग बनती है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसकी जो पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण बिंदु, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर आधारित है। ज्ञान, ज्ञान में आपको कम से कम 2 पॉइंट देने हैं, जैसे छात्र गुरुत्वाकर्षण बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी अवबोध, अवबोध में भी 2 पॉइंट आपको देने हैं। उसके बाद अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, उसके बाद अभिवृत्ति, ये 6 पॉइंट हैं, इसमें 2-2 पॉइंट आपको देने हैं। उसके बाद हेडिंग आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या करेंगे, प्रकरण से संबंधित 4 बाण कक्ष उपयोगी सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आता आपका पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में छात्र गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको लिखना रहेगा। फिर आता है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना कैसे करेंगे, जैसे छात्र छात्राध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ, तो वृक्ष में क्या लगा रहते हैं, तो वृक्ष में फल और पत्ते लगे रहते हैं, ये छात्र क्रियाएँ, छात्र जवाब देंगे इसका। स्वतंत्र रूप से फल वृक्ष से टूट कर कहाँ गिरता है, तो छात्र इसका रिप्लाई देंगे कि पृथ्वी पर। उसके बाद फल टूट कर पृथ्वी पर क्यों गिरता है, तो छात्र इसका भी जवाब दे सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये सवाल को छात्रों को थोड़ा समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपको इसी जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनाए इसी से आपको उद्देश्य कथन देना है। जैसे छात्रों आज हम लोग पदार्थ विज्ञान के उपविषय बौद्ध विज्ञान के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करेंगे, तो ये आपको उद्देश्य कथन देना है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करना, प्रस्तुतिकरण में ये टेबल आपकी बनेगी क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधि और श्यामपट सारांश। तो पहले स्टार्ट करना विकासात्मक प्रश्न, जैसे हम पृथ्वी पर किसके कारण हवा में नहीं रह उड़ते हैं, तो छात्र जवाब देंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये विधि जो है शिक्षण विधि ये होगी प्रश्नोत्तर विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, तो छात्र नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक हो गया। अब इसी समस्या को निदान करने के लिए आपको स्पष्टीकरण देना है, स्पष्टीकरण कम से कम 4 होने चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, ये तो आपने शिक्षण बिंदु डाल लिया यहाँ पे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है। प्रत्येक कण एक दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के परतः से चंद्रमा पृथ्वी के परतः चक्कर लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F=gm1m2/r2। अब इसी से स्पष्टीकरण से आपको विकासात्मक प्रश्न देने हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस बल के कारण लगाती है, तो इस तरीके का आपको विकासात्मक प्रश्न देने हैं। उसके बाद आपका आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, समस्यात्मक जो क्वेश्चन बना लास्ट उसी से आपका स्पष्टीकरण। नेक्स्ट उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती था उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 और एफ व्युत्क्रमानुपाती r2। तो एफ दोनों को कंबाइन कर दिया, एफ व्युत्क्रमानुपाती m1 m2/r2, यहाँ से आ जाएगा F=gm1m2/r2। इसी से आपको विकासात्मक प्रश्न देने हैं, सूत्र जैसे m1 m2 में क्या है, तो छात्र देंगे दबाव द्रव्यमान है। नेक्स्ट r क्या है, तो ये दूरी है। अब पूछ दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g क्या है, तो ये समस्यात्मक हो गया। अब नेक्स्ट स्पष्टीकरण देना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। नेक्स्ट आपको इसी को स्पष्टीकरण करना है, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न आपको बनाने हैं, फिर स्पष्टीकरण देना है, कम से कम 4 स्पष्टीकरण देने हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बोध प्रश्न करने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताइए, जी का मान कितना होता है, फिर श्यामपट सारांश। फिर आता है आपका लेखन व निरीक्षणकार, लेखन व निरीक्षणकार में छात्र छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर उसका निरीक्षण करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर आता है गृहकार,
कुत्ते तो लड़के से कहते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस बल के कारण लगाती है, जी का मात्र बताइए। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।